नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कच्चा प्याज खाने से कौन कौन से फायदे होते हैं। आइए जानते हैं इसके अद्भुत फायदों के बारे में। कच्चा प्याज खाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप प्याज को खाने में सलाद के रूप में कच्चा खा सकते हैं। क्या आप कच्चा प्याज खाते हैं? अगर नहीं तो आज से ही कच्चा प्याज खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कच्चे प्याज में सल्फर और अन्य जरूरी विटामिन्स मौजूद होते हैं, जो शरीर की कई सारी बीमारियों को दूर करता है। कच्चे प्याज को आप सलाद, सैंडविच और चाट आदि में डालकर खा सकते हैं। कच्चे प्याज में फाइबर ज्यादा पाया जाता है, जो पेट के अंदर चिपके खाने को बाहर निकालता है। इसे खाने से पेट की सफाई हो जाती है, इसलिए कब्ज से परेशान मरीजों को कच्चा प्याज जरूर खाना चाहिए। प्याज में फास्फोरिक एसिड होता है, जो हमारे रक्त के लिए ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है। प्याज को पीसकर उसका लेप अपने पैरों के तलवों पर लगाकर सो जाइए। इससे फास्फोरिक एसिड आपकी धमनियों में प्रवेश करके रक्त से अशुद्धियों को दूर कर देता है। अगर पेशाब ज्यादा आने की समस्या है तो 4 प्याजों को पीसकर चटनी बनाकर और उसमें इतना ही गेहूं का आटा डालकर हलवा बना लें। फिर हल्का सा गर्म रहने पर पेट पर इसका लेप कर लें और लेट जाएं। इससे पेशाब का ज्यादा आना बंद हो जाएगा। प्याज के रस और शहद को बराबर मात्रा में मिक्स कर लें। इस मिश्रण का सेवन कमजोर पुरुषों को जवां बनाता है। यही नहीं, यह खराब गले और खांसी के लक्षणों को दूर कर सकता है। प्याज, शहद और मिश्री को एक साथ मिलाकर खाने से पेट से संबंधित रोग खत्म हो जाते हैं और शरीर में ताकत की वृद्धि होती है। जो व्यक्ति नशे में होता है, उस व्यक्ति को एक प्याज का रस रोजाना पिलाने से उसका नशा उतर जाता है। 10 से 20 ml प्याज के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 से 3 बार चाटने से नजला रोग यानी कि जुकाम दूर हो जाता है। प्याज के रस को शहद में मिलाकर आंखों के आसपास लगाने से आंखों की रोशनी तेज होती है और डार्क सर्कल्स दूर होते हैं। चेहरे के काले दागों पर प्याज का रस लगाने से दागों का कालापन दूर होता है और चेहरे की चमक बढ़ती है। नकसीर यानी कि नाक से खून आने पर प्याज का रस नाक में डालने से नाक और गले का संक्रमण ठीक करके नकसीर रोग में लाभ पहुंचाता है। कच्चा लाल प्याज या पकाए हुए प्याज को गर्म राख में पकाकर या इसका रस 4 चम्मच पीने से नींद अच्छी आती है। ऐठन होने पर और झटके लगने पर प्याज के गर्म गर्म रस से पैर के तलुओं पर मालिश करने से आराम होता है। अगर किसी को कुत्ता काट दिया हो तो प्याज को पीसकर शहद में मिलाकर जानवर के द्वारा काटे हुए अंग यानी उस भाग पर लगाने से और प्याज का रस पिलाने से जहर दूर हो जाता है। प्याज का रस लगाने से मस्से नष्ट हो जाते हैं। रोजाना सुबह लगभग 72 ml प्याज का रस थोड़ा सा पानी में मिलाकर पीने से मिर्गी का दौरा बंद हो जाता है। ऐसा कम से कम 40 दिनों तक कर सकते हैं। मिर्गी के दौरे में प्याज का रस सुंघाने से मरीज होश में आ जाता है। कान में दर्द, कान में पीव और कान में आवाज आना और बहरापन होने पर प्याज के रस को थोड़ा सा गर्म करके उसकी 5 से 7 बूंद कान में डालने से लाभ मिलता है। सिर पर कहीं से भी बाल झड़ रहे हों तो गंजे वाले भाग पर प्याज का रस रगड़ने से बाल वापस उगने लगते हैं और बाल गिरने से रुक जाते हैं। प्याज को काटकर और धोकर नमक डालकर रोगी को खिलाने से हिचकी रुक जाती है। कच्चा प्याज रोजाना भोजन के साथ खाने से कब्ज का रोग ठीक हो जाता है। या प्याज के काढ़े को बनाकर रोज 40 ml दिन में 2 से 3 बार सेवन करने से लाभ होता है। 1 चम्मच प्याज के रस को हर 2-2 घंटे के बाद रोगी को पिलाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं और बदहजमी भी ठीक हो जाती है। अगर एसिडिटी की समस्या हो तो 60 ग्राम सफेद प्याज के टुकड़ों को 30 ग्राम दही में मिलाकर रोजाना 3 बार खाने से कम 7 दिनों तक सेवन करने से अम्लीय पित्त यानी कि एसिडिटी के रोग में लाभ होता है। अगर पैरों की एड़ियां फट चुकी हो तो कच्चा प्याज को पीसकर एड़ियों पर बांधने से फटी एड़ियां ठीक हो जाती हैं।
खूनी बवासीर होने पर 100 ml प्याज के रस में 50 ग्राम शक्कर मिलाकर पीने से खूनी बवासीर के रोग में लाभ मिलता है। हाथ पैरों का ऐंठन या अकड़न दूर करने के लिए प्याज का रस निकालकर गर्म करके गर्म गर्म रस को पैरों के तलवों पर मालिश करने से अकड़न ठीक हो जाती है। तो दोस्तों ये है प्याज खाने के और लगाने के फायदे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे सभी हेल्थ और ब्यूटी टिप्स को देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। तो अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।